जरा कहता खापन दे बूरियो बूरियो बेटो रात ने बूरी लुगाई पावर और आगे आगे बड़ा आगे दूसरो दूसरो नो आगे हाँ दूसरो नो बिन मार दी तो ना बिन मार दी दूसरो आगे अच्छा दूसरो आगे जने वो क्या मारे मिन्नक मारियो है मैं तो बैठ दियो हूँ थारे बंसनो हैं जने थारी जगह जाल ले यायो दिनों गए नो दुंगार कर पवायो हूँ तो ये क्यों तो डोकल इसे बस मौन से ठीक किया तो कहती कि दुंगार करियो उनका मैं उन पर ले का जो उनका आगे फड़ करियो ना ठाऊ मैं बड़ लागो दनी पानी ढोड़ियो हाँ पानी ढोड़ियो हाँ पानी ढोड़ी जने फिर तो हर फिर तो और टूल हो उस तो जय माँ गंडी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोविंद सर और मेरे यूट्यूब फेसबुक पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है हिराई गांव आए हुए हैं और हिराई गांव में रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। यहां पर एक पीड़ित परिवार है। मैं आज कहीं बिजी था तो मैं पहुंचने में असमर्थ था, लेकिन जब कॉल में ऐसी बात बोली गई तो मैं विचलित हो गया और मुझे तुरंत वहाँ अपना काम छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा दोस्तों। तो मैं यहाँ एक दीप सिंह जी नाम के जो व्यक्ति हैं उनका कॉल आया था और मैं यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आया हूँ। तो पहले इनके बेटे का कॉल आया था, तब मैंने कहा मैं कहीं बाहर बिजी हूँ, आज थोड़ी देर आने में असमर्थ हूँ। लेकिन जब फिर उन 85 सालों के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्होंने कॉल किया और गिड़गिड़ाते हुए हमारे सामने बोले कि बेटा आप आओ, आज बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, एक जो स्नेक है हमें मारने की कोशिश कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों वो निगरानी रख रहे हैं और हम वहाँ पर उनका कॉल आते ही हम तुरंत रवाना हो गए और दोस्तों इनके खेत के पास हम पहुँच चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे का मंजर, वीडियो के लास्ट तक बने रहे और मिलाते हैं उन बुजुर्ग व्यक्ति से जिन्होंने हमें कॉल किया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। जस्ट यार मतलब पूछ में ऊपर की दाग है ही कौन
ਬਾਤੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਅਰੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠਾਲ ਖੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ नाग आगी। नाग आगी। नाग आगी। नाग आगी। नाग आगी।
दोस्तों तो जो स्नेक था वो नहीं मिला है और काफ़ी मेहनत की है, 2 घंटे लगातार मेहनत करके ढूंढ कर चारों तरफ ढूंढ लिए हैं पर नहीं मिला, क्योंकि वो एक जगह बैठे रहे और उन्हें लगा कि इन्हीं झाड़ी के अंदर वो सांप है जो बैठा रहा है, लेकिन उस झाड़ी के अंदर स्नेक नहीं था, वो कहीं गुमराह करके चला गया और इसी वजह से सांप है जो कहीं खो गया। तो दोस्तों हमें नहीं मिला है और उनकी जो हालत है बहुत ही ख़राब हो रही है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भय लग रहा है। आज पहली बार उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसी विकराल परिस्थिति में कोबरा स्नेक उसको अटैक करने की कोशिश में बार बार सामने आ रहा था दोस्तों। तो उनको हम बोल कर आए हैं और उनको जो है कह कर आए हैं कि ज़्यादा घबराए नहीं और जब भी आधी रात को ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम तुरंत उसी स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे फिर नए रेस्क्यू के साथ।